क्यों मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे, ना समझे आप, दुनिया समझ लिया और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, ये क्या ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है, मुल्क कैसा है, अभी तो लोग जूता ही मारे हमें, नहीं नहीं कोई भी नहीं मार सकता, ये बताए कौन नहीं मार, मुसलमान जो हो हिंदू बरादरी से माफी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं उनके माफी का क्या पता है, क्या मतलब वो आप कह रहे ना माफी मांगनी चाहिए, मुसलमान एक दूसरे भाई हम वो माफी का काम करते ही नहीं, ऐसा कि माफी नहीं, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते, फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना, हम मुसलमान हम वो हिंदू बरादरी है, क्या हुआ बड़ा फर्क है, क्यों नहीं फर्क है, क्या हुआ वो नमाज नहीं पढ़ते हम नमाज पढ़ते हैं, उनका अपना रिलीजन है हमारा अपना मजहब है, आपको क्या है, वो देखे जो उस लिहाज से चल रहे हैं हमारे लिहाज से नहीं चल रहे, वो ये देखे हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे कर ले, मिसाल दे किससे जो भी उसे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ, लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे, चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया, देखे ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये पैसे खत्म हो जाएगी इंडिया, दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत है ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई। नमस्कार दोस्तों, अक्की रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक जाहिल गवार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तब एंकर ने ऐसा सबक सिखाया कि उसको पता चल गया कि उसको भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। ये कहने की बात है हमें इतना माफ कर दिया, हमें वो आईएम ये सोचने की बात है, वो कैसे इनके पास आ सकते हैं, अच्छा, आपको कैसे पता कि आप हो गया यहां? नहीं हो के नहीं, आपको कैसे पता? मीडिया चलता है, सामने बातें भी होती है, मीडिया पे मुझे बताया कहा, मेरी बात सुनिए, मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी वो दूसरा लेके जाएगा, क्यों तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा, क्यों ये देखें पहले मीडिया में चल रहा था ये आईएमएफ को इनको कर्जा ना दें, क्यों ना दें, हमारा मुल्क इतना डिफॉल्टर, अच्छा यानी कर्जा दें हम भिखारी हमें दे दो, कोई बात नहीं, नहीं दे दो, भिखारी की बात हम नहीं कर सकते, जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत पसंद बने ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें आईएमएफ जो है माफ कर रहा है, वो कैसे सोच सकता है, इंडिया कह रहा है, इंडिया तो आईएमएफ के पास जाता भी नहीं, इंडिया नहीं 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 उन्होंने कभी कर्जा नहीं दिया, वो इन्वेस्टर है अमेरिका, उनके तलवे चाटे जाए जाकर पड़े, हमारा पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता, मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है, मुल्क कैसा है, अभी तो लोग जूता ही मारे हमें, नहीं नहीं कोई भी नहीं मार सकता, ये बताए कौन नहीं मार, कौन मार रहा है बताएं, आप बताए कौन, देखे अफगानियों ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ईरान ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, बांग्लादेशी कहते हो तुमसे जंग लड़े, अफगानी कहते हो तुमसे जंग लड़े, कहां से मैडम ये कहने की बात है, करने में और कहने में ये रक्षा ना आम बंदे को क्यों चलाओ, नहीं चला सकता, ये कहने की बात होती है, ये मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसे कह रहे हैं, पावर है हमारी दुनिया में ये बता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पावर है, इस लिहाज से आर्मी के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से मैं बात नहीं करी, मैं इकोनॉमिक के लिहाज से बात करी, मईशत के लिहाज से बात करी, मेरा टॉपिक ही मईशत पे है, टॉपिक आप सही कह रहे हैं, मईशत बहुत बड़ी है हमारी, ये देखे ये फैसलाबाद में जाए, सियालकोट में जाए, कराची में जाए, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कहां जाऊं, चल बंद इंडस्ट्री के बाहर बैठ जाऊं, मैडम आप गई नहीं इस वजह से आप कह रही हैं कि बंद है, मैंने पूरी स्टडी की है मेरे भाई, पूरी स्टडी की है, मैं कैसे कह सकती हैं बंद है, आपको की दुनिया में नहीं हूं मेरे भाई, सॉरी आपको बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है लेकिन मैं सच्ची बात कर रही हूं, दौर में बंद थी, अब मुस्लिम लीग नोन आगे चल रही है, कौन सी चल रही है, आप नाम बताएं, फैसलाबाद में जा, नाम बताएं, नाम नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं, HYA चल रही है, टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हमारी क्यों खसारे में है, जो हमें इंडस्ट्रियां मिली थी वो सारी क्यों खसारे में, मुझे बताएं, मेरी बात सुने, ये पीछे से कपड़ा कहाँ से आ रहा है, धागा कहाँ से आ रहा है, मेरी बात सुन ले, धागा कहाँ से आ रहा है, ये चीनी कहाँ से आ रही, अगर फैक्ट्री बंद हो तो कैसे आएगी, ये मुझे बताएं, आपको पता है एग्रीकल्चर $8 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, पल्सिस तक हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन तक हम इंपोर्ट करते हैं, आपको इस बात का पता है, कहते हैं मैं रिपोर्ट निकाल के दिखा दूं, नहीं इंपोर्ट इतना तो नहीं ना हो गया कि पूरा मुल्क एक साल में इंपोर्ट ही चल रहा है, देखें कि वो ठीक है उनकी बात लग गया, हमारा मुल्क लग गया, हम अपने मुल्क की सोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, अगर उधर भी है ना मुसलमान वो कुछ करेंगे, ये नहीं वो कह रहे ऐसे कर देंगे, कुछ कर रहे हैं मुसलमान वहां के हमसे बहुत आगे हैं, इधर भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे, एक कठे बैठेंगे हमारे हुक्मरान भी बैठेंगे, और भी बात ये है ना कि वो मुसलमान है और काफर है, मोहम्मद मुइजुद्दीन जो कि कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, इंडिया को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है, वो ठीक है उसका आर्गुमेंट है, हमारा नहीं है, हमारे मुल्क में कौन कह रहा है कर्जा माफ करो, हम तो नहीं कह सकते, क्या बात है, क्या बात है, $2 बिलियन के लिए हम लोग रो रहे होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं चाइना के कर्जा हम, अमेरिका के कर्जा हम, तमाम छोटे छोटे ममालिक के कर्जा हम, अभी जज्बे हमारे बुलंद है, बात सुने ये पेट्रोल पहले 160 नॉन लीग ने किया था, अब 200 तो कुछ रुपए है, हमें और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमने और चाइनीज में क्या फर्क है पहले मुझे ये बताएं, बहुत फर्क है, चाइना हमारे साथ है उनके साथ तो नहीं, वो काफिर नहीं है, नहीं चाइना नहीं, स्टेटमेंट बदली, स्टेटमेंट बदली, बात नहीं करनी, वो काफर है ठीक है, वो उनका राइट है, ये लो चाइना में उनका राइट है, जब भारत की बात आती है हिंदू की बात आती है तो नहीं भाई वो है ही गलत, नहीं हम कैसे अच्छा समझ सकते हैं, उनके साथ ही आपने सदियां गुजारी है, मेरी बात सुने, मोदी का इधर हल्का सा उधर शोशा फैलते हैं तो हमारा पाकिस्तानी मुसलमान कैसे रोड पे आता है, जूतियों का हाथ डाल देता है मोदी को, पांव के नीचे रोल देता है, क्यों रोलता है, उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं, दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड
ढोल धमाके के साथ रेड कार्पेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। मोदी साहब सुने, अब मेरी बात सुने, मोदी साहब को बाद में बात करें। चाइना पे आप बड़ा मान कर रहे हैं ना, चाइना ने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद करके, आप दिखाएं अपनी गैरत। मैडम ये देखे ना वो, नहीं नहीं नहीं, चाइना 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 बादर वही होता है, अगर किसी के घर आप जाएंगे तो वो जैसी मर्जी लड़ाई हो वो माफ कर देता है। क्यों कर देता है? मुसलमान हो के नाते पे माफ करता है। तो चाइना को माफ कर दिया क्यों? वो हमारे घर चल के बात है भाई, घर चल के मैंने देख लिया है, पास नहीं गए, गुलाम है हम, हम नहीं गुलाम, हम नहीं गुलाम। आप कहते हैं आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है, जहां मस्जिद शहीद हो रही है वहां तो आपकी गैरत नजर नहीं आ रही। क्यों? इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं जो कुछ, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, बस कर दे ये अपना, नहीं 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 नहीं, ये अपना ढोंग हम अब बंद कर दें कि हम मुसलमानों को बड़े सगे हैं, क्योंकि चाइना पे हमारी बात नहीं, बात नहीं हो सकती। मेरी एक बात आप सुनने, मोदी साहब आप चाय बनाते हैं, ये आपने कभी सोचा है चाय में चीनी कितनी है, पत्ती कितनी डाल दे, वो कौन सी दूध में इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं तुम्हें पता। तुम कह रहे हैं जंग लगनी, जंग लगनी, तुम्हें कब कहा जंग लगनी? मेरी बात सुनो, प्रूफ दिखाए मुझे, ये प्रूफ दिखाए, खुद कह रहे हैं फलानी मीडिया मिल गई, फलाना मुल्क मिल गया इसके, वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं, वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है? आपको पता है इसके बाद आपका ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि दुनिया, आप सऊदीया को देख ले, आप दुबई को देख, मैं मुस्लिम कंट्रीज की भी बात कर रही हूं, ठीक है, आप कतर को देख ले, आप बहरीन को देख ले, आप तुर्की को देख ले, ये सब लोग मोदी को कहते हैं वो हमारा भाई है। अब बताएं, अब कहे मुस्लिम कंट्रीज को गंदा, बोल मेरी बात सुने, वो कहते हैं उनका राइट है, वो कह सकते हैं, क्यों कहते हैं ये बताएं, नहीं कह सकते, हम क्यों नहीं कह सकते, क्यों? वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, तो वो देखे सऊदीया मुसलमान नहीं है, वो ठीक है, सऊदीया मुसलमान, जहां हमारा इतने मुकद्दस मकाम है। हां मैं मोदी की बात कर रहा हूं, मैं हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी के हवाले से आप कर रहे हैं, क्यों मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे, ना समझे आप, दुनिया समझ लिया, और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, ये क्या बताते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे ताकि हम सच दे। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे जाहिल आपको बहुत मिल जाएंगे, इनसे बात करना और बेस के आगे बीन बजाना है। दोस्तों कट्टरपंथियों ने इनका दिमाग इस तरह ब्रेन वॉश किया है कि इन भारत के हिंदू इन्हें बुरे लगते हैं, इनको पूरा चीन बहुत अच्छा लगता है। अगर दोस्तों इनसे पूछा जाए कि चीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है तो इनका बोलने का तरीका ही बदल जाता है, ये कहते हैं कि वो उनका देश है, वो कुछ भी करे। कई बार जब भारत पर आती है तो कहते हैं कि भारत के मुसलमान हमारे भाई है, उनको मारा जा रहा है। नहीं दोस्तों, भारत के मुसलमानों को ये अपना भाई कहते हैं, जबकि पाकिस्तान के हिंदुओं को इंडियन कहते हैं। दोस्तों कट्टरपंथियों ने इनके दिमाग में इस तरह ब्रेनवॉश किया है कि हिंदू अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो पूजा करते हैं, इसलिए वो बहुत बुरे होते हैं। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर विदेशों में जाता है चंदा इकट्ठा करने, कर्जा मांगने, और ये हमारे प्रधानमंत्री को भिखारी कहते हैं। दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान से बड़ा भिखारी कोई देश नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में शिक्षा पर, महंगाई पर कोई बात नहीं करता, इसके लिए इनके पास समय नहीं है, लेकिन ऐसे जाहिलों के पास हिंदू मुस्लिम करने का बहुत टाइम है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और ऐसे मज़ेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।